वाइल्ड लाइफ टीम ने पोंटा में आरा मशीन से रेस्क्यू किया 6 फीट लंबा विषैला कोबरा सांप। करीब 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क में छोड़ा गया स्पेक्टिकल कोबरा। जानकारी के अनुसार भारत में इसी सांप के डसने से होती है अधिकतर लोगों की मौत। कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क सिंबलवाड़ा की रेस्क्यू टीम द्वारा पोंटा में एक आरा मशीन से बेहद विषैला समझा जाने वाला स्पेक्टिकल कोबरा जाति का सांप रेस्क्यू किया गया। आरा मशीन में सांप घुसने पर वन्य प्राणियों से लगाव रखने वाले इसके संचालक अथवा मालिक ने इसे मारने से इनकार किया और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान के आरों को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वाइल्ड लाइफ द्वारा भेजी गई टीम अथवा वन कर्मी वीरेंद्र शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश शुरू की और करीब 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद वह अपने स्नेक कैचर स्टिक से इस जहरीले नाग को पकड़ने में कामयाब रहे। वाइल्ड लाइफ कर्मियों द्वारा नागराज को सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क में छोड़ा गया और समाज को वन्य प्राणियों से प्रेम करने का संदेश दिया गया। जानकारी के अनुसार स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति का यह सांप काफी जहरीला है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों की मौत इसी के काटने से होती है। गूगल से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न देशों में हालांकि कोबरा प्रजाति के इससे ज्यादा जहरीले सांप भी पाए जाते हैं मगर भारत में बहुत आए पाए जाने वाला यह रेप्टाइल अथवा नागराज स्नेक बाइट से होने वाली सबसे ज्यादा मौत का जिम्मेदार बताया जाता है। बहरहाल शहर में सांप को पकड़ने अथवा बचाने के लिए वह अपनी तरह का यह पहला रेस्क्यू चर्चा में है और जरा सी चूक होने की स्थिति में यहाँ स्नेक बाइट से मौत का खतरा भी लगातार बना हुआ था।